कुछ हजार साल पहले का विशाल भारतवर्ष हिमालय से द्रविड़ तक तथा गांधार से ब्रह्मदेश तक फैला हुआ, परंतु छोटे छोटे राज्यों में विभाजित। इसी भारतवर्ष का एक वैभव संपन्न व शक्तिशाली राज्य हुआ करता था मगध। मगध के सीमावर्ती नगर में ही थी वह झोपड़ी जहां आचार्य चणक निवास करते थे। आचार्य चणक बहुत ही विद्वान थे, परंतु थे दरिद्र। उनके विशाल मस्तक पर तीन लंबी व गहरी रेखाएं थी। नेत्र बहुत बड़े बड़े और तीक्ष्ण थे। उनके शरीर पर सदा एक सफेद धोती और जनेऊ रहता था। धोती का कुछ भाग वो अपने कंधों पर डाले रहते थे। आचार्य जी की धर्मपत्नी भली स्त्री थी। वह अपने पति के समान सुंदर और संतोषी स्वभाव की थी। आचार्य उनसे बहुत प्रेम करते थे, परंतु कभी कभी निराश होकर कुछ उल्टा सीधा भी कह बैठते थे। निराश होने का कारण दरिद्रता नहीं थी, केवल निसंतान होना था। विवाह हुए कई साल हो चुके थे, किंतु उन्हें अभी तक पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें अपना वंश समाप्त हो जाने की चिंता थी। मां बनने के लिए उनकी धर्मपत्नी ने भी कोई कम प्रयास नहीं किए थे। सभी देवताओं से प्रार्थना करने के साथ साथ उन्होंने न जाने कितने ही संत महात्माओं से आशीर्वाद लिए, कई घरेलू उपचार किए तथा टोने टोटके तक कर दिए, परंतु किसी से कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। पति पत्नी दोनों निराश हो चुके थे। एक दिन तीन साधु चणक की झोपड़ी पर आए। उन्होंने भिक्षा की याचना की। चणक ने उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोले, महाराज भोजन का समय हो रहा है, कृपया भीतर पधारकर मेरी कुटिया को पवित्र करे और भोजन करके ही जाए। साधुओं ने चणक की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। जो रूखा सूखा बना हुआ था उन्होंने प्रेम पूर्वक खाया। जाते समय उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ईश्वर की कृपा से शीघ्र ही तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारे वंश का नाम युगो युगो तक रोशन होगा। पहले भी कई साधु इस प्रकार भोजन कर गए और इसी प्रकार का आशीर्वाद दे गए थे तथा मन में एक उम्मीद जगा गए थे, परंतु आशीर्वाद ने उन्हें कोई फल नहीं दिया। इसलिए उन तीन साधुओं द्वारा दिए गए आशीर्वाद से ब्राह्मण दंपति को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। तीन साधुओं द्वारा दिया गया आशीर्वाद व्यर्थ न गया। एक दिन चणक की धर्मपत्नी गर्भवती हो गई। जब चणक को इसका पता चला तो वो प्रसन्नता से झूम उठे। उस समय उनके पास जितना भी धन था वह सब उन्होंने दान कर दिया। जो भी साधु संत गरीब लाचार मिला उसे आग्रह कर करके भोजन कराया। घर में खुशी से पंडित बड़ा आनंदित होकर नाचने लगा। चणक ने बड़े दिनों बाद अपनी पत्नी को प्यार से देखा और बोले, यह उन तीन साधुओं के आशीर्वाद का ही फल है। वे कोई साधारण साधु नहीं थे, लगता है ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी साधु बनकर आए थे हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पत्नी ने कहा, उन्होंने बिना मांगे ही हमें आशीर्वाद दे दिया। हमारे बिना बताए ही वे जान गए कि हमारे कोई संतान नहीं है। फिर तो अवश्य ही पुत्र होगा, चणक बोले। उन्होंने कहा था हमारे वंश का नाम युगो युगो तक रोशन रहेगा। मुझे याद है उन्होंने यही कहा था, पुत्र ही होगा। ऐसा पुत्र जिसके प्रकाश से सुनी कुटिया भी जगमगा जाएगी, सारा सुनापन दूर हो जाएगा, दिन रात उसकी किलकार या गुंजा करेगी। उस रात ब्राह्मण दंपति को नींद तक नहीं आई। वे अपने होने वाले पुत्र की कल्पनाओं में डूबे रहे, उसके बारे में तरह तरह की बातें करते तथा मधुर सपनों में खोए रहे। उचित अवसर आने पर चणक की पत्नी ने एक स्वस्थ सुंदर और विचित्र पुत्र को जन्म दिया। बालक का रंग माता पिता जैसा न होकर सांवला था। उसका शरीर लगभग एक साल के शिशु जैसा लगता था। विचित्र वह इसलिए था क्योंकि जन्म के समय उसके मुंह में दो दांत निकले हुए थे। उसका माथा चौड़ा, चेहरे पर तेज पटकती हुई लकीरें तथा नथुने यूं फूले हुए थे जैसे बालक कुछ तनाव का अनुभव कर रहा हो। कभी कभी वह अचानक यूं ही मुस्कुरा पड़ता, जैसे कोई रहस्य की बात उसे समझ आ गई हो। हर माता पिता के लिए पुत्र घर में प्रकाश करने वाला होता है, चाहे वह किसी भी रंग का हो। चणक व उसकी पत्नी पुत्र को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। हाँ, उसके दांत और क्रियाकलापों को देखकर हैरान अवश्य थे।
चणक संतोष व धर्म निष्ठा की साक्षात मूर्ति थे। उन्हें न धन की इच्छा थी न ही सुख की लालसा। उनका सुख सीमित था अपने कर्म कांड में। अपने घर परिवार में उन्होंने कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया था। जो कुछ मिला उसे साधु संन्यासियों पर खर्च कर दिया, परंतु स्वयं के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वे जीवन में केवल एक ही कमी का अनुभव करते थे, पुत्र जन्म के साथ उनकी वह कमी भी पूर्ण हो गई। बालक का रंग कुछ सांवला नहीं है, अचानक पत्नी ने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने तो यह सुन रखा है कि बच्चे का रंग या तो माँ जैसा होता है या फिर पिता जैसा। मगध पर अत्याचार के जो काले बादल छाए हैं, चणक बोले, क्रूर सैनिकों के आतंक ने मगध के भविष्य पर कालिख पोत दी है। शायद वही कालिख हमारे पुत्र को भी लग गई। क्या नंद ने फिर से कोई नया अत्याचार कर दिया? वह एक विलासी राजा है, दिन रात शराब और शबाब में डूबा रहता है। उसे प्रजा की सुध लेने का होश ही कहाँ है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। राजकोष लूट रहा है, देश की सीमाओं पर विदेशी यवन तलवारी लिए खड़े हैं, आस्तीन के सांप कुचक्र करते हैं, पता नहीं क्या होगा। कम से कम आज तो इन चिंताओं को त्याग दीजिए। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए जिन्होंने हमें पुत्र रत्न दिया, वृद्धावस्था का सहारा दिया। चणक मुस्कुराकर बोले, देवी इस समय तो तुम ही मेरे लिए ईश्वर हो, तुम ही महादेव रूप हो। पुत्र रत्न की प्राप्ति मुझे तुमसे ही हुई है। चणक को रोकते हुए श्रीमती ने पूछा, इसका नाम क्या रखोगे? वर्षों बाद हमें कुल दीपक की प्राप्ति हुई, अतः हम इसका नाम अपने कुल के अनुसार ही रखेंगे। हमारे कुल का नाम कोटिल है, अतः इसका नाम कौटिल्य रखेंगे। कैसा लगा यह नाम? आप इतने विद्वान हैं, साधारण नाम कैसे रख सकते हैं? आपने जो नाम रखा है वह बहुत ही अच्छा है। मैं इसे और दे ही क्या सकता हूँ? एकाएक चणक कुछ उदास होकर बोले, या तो नाम दे सकता हूँ या फिर ज्ञान। किसी राजा के घर पैदा होता तो इसे जीवन का प्रत्येक सुख मिलता। आप व्यर्थ ही दुखी हो रहे हैं। ज्ञान तो भोग से बड़ा है, विद्वान सदा से ही पूज्य रहा है। आप अपने पुत्र को इतनी शिक्षा देना कि राजा और राज्य स्वयं इसके सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो जाए। जरूर, चणक अपने पुत्र को निहारते हुए बोले, इसे प्रतिभाशाली व यशस्वी बनाने के लिए मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। इसे ऐसा पंडित बनाऊंगा जिसकी कीर्ति से मेरा देश रोशन होगा। तभी नन्ना कौटिल्य किलकारियां मारने लगा, जैसे यह व्यक्त करना चाहता हो कि माता पिता के फैसले से वह अत्यधिक प्रसन्न है। गरीबी के वातावरण में कौटिल्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अपने पिता से शिक्षा प्राप्त करता तथा मिट्टी के खिलौनों से खेलता। मित्र के नाम पर केवल सुवासिनी थी, उम्र में लगभग 3 वर्ष छोटी। मगध के सम्राट दनानंद के खास महामात्य सकटार की इकलौती संतान थी सुवासिनी। दोनों में गहरा प्रेम था। सुवासिनी का मनपसंद खेल था घर घर खेलना। वह एक छोटा सा घर बनाकर उसके चारों ओर लकड़ी की सूखी सूखी टहनियां गाड़ कर उनका बगीचा बनाती थी और घर को साफ सुथरा करके सुंदर बनाने का प्रयास करती। चाणक्य घर को देखता फिर कहता, यह क्या सुवासिनी, तुमने तो मेरी जगह ही घेर ली। मैं पढ़ाई कहाँ करूंगा, यज्ञ कहाँ करूंगा? सुवासिनी तन कर उत्तर देती, यह मेरा घर है, कोई अध्ययनशाला पूजागर या यज्ञशाला नहीं। देखो यह रसोई है, इसमें मैं भोजन बनाया करूंगी। यह शयन कक्ष है, इसमें हम विश्राम करेंगे। यह आंगन है, यह हमारे बच्चे खेल करेंगे। लेकिन जिस घर में अध्ययन नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, महादेव की जयकारे नहीं होती या यज्ञ नहीं होता, वह नरक के तुल्य मकान है। ऐसे मकान में चाणक्य कभी नहीं रहेगा। तब सुवासिनी चाणक्य से कहती, तुम क्रोध न किया करो, मैं इससे बड़ा घर बनाऊंगी। उसमें अध्ययन कक्ष भी होगा, पूजा कक्ष भी होगा और यज्ञशाला भी होगी। अब तो हंसो, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? अच्छे पति अपनी पत्नी पर कभी नहीं बिगड़ते। और कौटिल्य हंस देता। तभी राजसैनिक वहां आ पहुंचते और सुवासिनी से कहते, अब चलिए देवी, महामंत्री जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। थोड़ी देर खेलने के बाद सुवासिनी कौटिल्य से अलग हो जाती, परंतु खेल खेल में उनके हृदय में जो प्रेम के अंकुर फूट रहे थे
धीरे धीरे पनपते जा रहे थे। आचार्य चणक और महामात्य सकटार हमेशा मिलते रहते और राजनीति पर चर्चा करते। एक दिन चणक ने प्रश्न किया, क्या राष्ट्र की परिस्थितियां यूं ही चलती रहेगी? क्या विदेशी सेनाएं तलवारें लेकर हमारे सम्राट को यूं ही ललकारती रहेगी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या करूं? मैंने महाराज को बहुत समझाया परंतु वे मानते तक नहीं। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती मित्र, यूं समझाने से राजा कुछ नहीं समझेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही होगी, वह भी होशियारी और सतर्कता से। मैं कुछ समझा नहीं चणक। नंद के हाथों मगध सुरक्षित नहीं है, मगध का सम्मान धूल में मिल रहा है, आसपास के छोटे राजा भी इस पर दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। मैं इस बात को समझता हूं परंतु क्या किया जाए, चणक धीरे से बोले, महाराज का खात्मा। सकटार यूं उछल पड़े जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, अचंभित भाव से वो चणक को देखने लगे। चणक ने आगे कहा, मगध की सुरक्षा के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। यह काम ऐसे ढंग से होना चाहिए कि इसकी सच्चाई किसी को पता न चले। मंत्री सकटार ने पूछा, परंतु महाराज का वध करेगा कौन? चणक ने मित्र सकटार को बोला, यह कार्य तुम्हें ही करना होगा महामंत्री। किसी और को यह कार्य सौंपा गया तो काम अधूरा भी रह सकता है और भेद भी खुल सकता है, परंतु मैं यह काम कैसे कर पाऊंगा? सकटार बोले, जब तक राक्षस और कात्यायन जैसे राक्षस रूपी महाराज के कवच हैं, मैं उनको छू भी नहीं सकता। तब चणक ने सकटार को समझाते हुए कहा, काम को योजनाबद्ध उपाय से करो। सबसे पहले तुम महाराज के सबसे अधिक विश्वास पात्र बनो। जब महाराज तुम पर सबसे अधिक विश्वास करने लगे, तब कात्यायन को किसी प्रकार से मंत्री पद से हटवा दो। फिर कात्यायन को किसी भी प्रकार से यह विश्वास दिलवाओ कि उस पर तुम्हारी बड़ी कृपा है और तुम उसे पुनः मंत्री बनवाना चाहते हो। इसका क्या लाभ होगा? उसे तुम पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा। बाद में महाराज से प्रार्थना करके उसे पुनः मंत्री पद दिलवा भी देना। इससे कात्यायन तुम्हारा भक्त बन जाएगा। एक संकेत पर ही वह तुम्हारे लिए प्राण न्योछावर कर देगा। लेकिन महाराज का वध करने से कुछ नहीं होगा मित्र। सेनापति सूर्यगुप्त शीघ्र ही सब पता लगा लेगा, तब वह मुझे छोड़ेगा नहीं। सूर्यगुप्त एक लोभी व्यक्ति है, चणक हंसकर बोले, उसे यदि राज्य का लालच दोगे तो वह तुम्हारे साथ मिल जाएगा। सकटार ने आगे पूछा, और राक्षस राज उसका क्या, जो केवल राष्ट्रभक्त नहीं बल्कि राजभक्त भी है, नंद भक्त भी है, जो महाराज के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका क्या होगा? हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है मित्र। मैं जानता हूं राक्षस पर महाराज अटूट विश्वास करते हैं, वह बलशाली भी बहुत हैं, लेकिन कूटनीति से वह वश में आ जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, मात्र एक सुंदर स्त्री उसे वश में कर सकती है, परंतु ऐसी सुंदर स्त्री आएगी कहां से, जो राक्षस को भी वश में कर ले और हमारे कहने पर भी चलती रहे। इसका प्रबंध मैं कर दूंगा। तुम्हारी नजर में है कोई ऐसी स्त्री? है ना, तुम बेला को नहीं जानते? जानता हूं, उसकी एक बेटी है, मूरा नाम है उसका। लेकिन वह राक्षस तक पहुंचेगी कैसे? इसका उपाय है, चणक शांत स्वर से बोले, तुम किसी प्रकार से खुद को सख्त बीमार घोषित कर दो, तब राक्षस तुम्हारा पता करने अवश्य आएगा। बस मूरा उसे वहीं दिख जाएगी, सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा है मूरा, राक्षस उसे देखते ही मोहित हो जाएगा। सकटार बोला, बहुत अच्छा उपाय है, आपके जाते ही मैं खुद को अस्वस्थ घोषित कर देता हूं। चणक यूं मुस्कुराए जैसे सफलता के मिक्कत तक पहुंच गए हो। राक्षस गहराई से सोचने लगा। कुछ ही समय बाद उसने अगला प्रश्न किया, क्या मूरा अब भी यही है? वह तो आपके जाने के तत्काल बाद यहां से चली गई थी। उसने अपने आने का कोई प्रयोजन बताया था? नहीं देव, राक्षस बोला, मैंने तुम दोनों से जो बात की है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, अन्यथा मृत्यु दंड मिलेगा। आप निश्चिंत रहे देव, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दोस्तों, ये चाणक्य के इतिहास का पहला भाग था। अगर आप चाणक्य का पूरा इतिहास जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करें। चाणक्य का पूरा इतिहास 5 भाग में बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम 5वां भाग अपडेट करें
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करके भी आप बता सकते हैं कि आपको चाणक्य के बारे में यह वीडियो पसंद आया। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए।